कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंडी समिति अध्यक्ष ने लोगों में मास्क वितरण कर बिना मास्क के मंडी में प्रवेश पर रोक लगा दी। जनपद में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने के लिए रोस्टर जारी किया गया, जिसके तहत सब्जी व फल मंडी के खुलने का वक्त अलग अलग निर्धारित किया गया। दिन में दो बार मंडियों के खुलने के समय से किसान व दुकानदारों को होने वाली दिक्कतों के तहत जिला प्रशासन ने एक ही समय में फल व सब्जी मंडी के खुलने का समय निर्धारित किया। मंडियों में बिना मास्क के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए मंडी समिति अध्यक्ष मोहम्मद कलीम ने लोगों में मास्क वितरित किया। साथ ही उन्होंने प्रतिबंध लगाते हुए कहा, अगर कोई बिना मास्क मंडी में खरीदारी व बिक्री करने आता है तो ऐसे से ना तो खरीदारी की जाए ना ही बिक्री। ये क्या भी वितरण कर रहे थे? हमारा नाम अब्दुल कलाम, फल मंडी अध्यक्ष, नवीन फल और सब्जी मंडी कोरोना रोड गोड्डा। यहाँ पे मंडी में अधिकांश लोग देखते हैं ना, दो गज दूरी है ना मास्क है, क्या आप संदेश देंगे आप इसके अध्यक्ष से फल मंडी के? कल से आज तक मास्क जो है 1000 मास्क बचवा है मंडी के अंदर, कि कोई भी पैकार किसान मजदूर जो भी आए मास्क पहन के ही आए मंडी के अंदर, और जो पैकार मास्क पहन के नहीं आएगा उसको कच्चा ही माल नहीं दिया जाएगा पूरे मंडी में। अच्छा, सरकार ने ये तय किया था गाइडलाइन कि आपके यहाँ मंडी खुलने की समय 3 बजे से 6 बजे तक होगी, सुबह सब्जी मंडी खुलेगी फल मंडी, शाम को क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है? लेकिन डीएम साहब ने दोनों समय सब्जी व फल का एक समय कर दिया, सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। 8 बजे आपके यहाँ मंडी खाली हो जाती है? 8 बजे 8:30 बजे तक मंडी खाली हो जाती है एकदम। हम लोग खुद जो है अपना आदमी लगा के खाली करवाते हैं, आदमियों के बाहर जाइए। अच्छा, जो लोग नहीं मानते हैं, भीड़ लगाए हुए हैं, मास्क नहीं लगाते, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? उनके लिए कोई मान नहीं मंडी के अंदर, इसी नहीं तो आदमी बाहर गेट पे हम लोग लगा दिए हैं कि जो मास्क लगा के आए मंडी के अंदर उन्हीं को प्रवेश दिया जाए, वरना उनको मंडी के अंदर हलने न दिया जाए।